ब्रह्मा जी के मंदिर में गए थे पुष्कर में, उनके तीन दिन बाद मैं गया वहां। तो जो पंडित जी थे, गुजर ही पंडित है ना, तो उन्होंने बताया कि आप हरियाणा से आए हो, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ आया था, पूजा पाठ करवा के गया, 1,00,000 रुपए खर्च करके गया और ये प्रार्थना करके गया कि भाई मुझे एक मौका और ब्रह्मा जी दे दें मुख्यमंत्री बनने का हरियाणा का। तो मैंने कहा जी फिर आपने क्या आशीर्वाद दिया हमको? उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं बनोगे, और हरियाणा का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो गुजर होगा, उसका नाम क्या होगा अभी नहीं बताया। तो अब ये पहली सरकार हरियाणा में बनेगी जो जिसका नेतृत्व गुजर करेगा। ये मेरी बात रिकॉर्ड भी की जा सकती है और इतने आदमी रिकॉर्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठे हैं। तो इस मिशन के लिए भी और अपनी ताकत को पूरे देश में जोड़ने के लिए, क्योंकि ओबीसी की सीट आपके पास है, आपकी आबादी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऐसे भी बनके प्रधानमंत्री चले गए जिनकी आबादी से हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने 1% में, पूरे हरियाणा में 1,00,000 लिखे, और यहाँ कहीं सोते जागते भी दिन बड़ो भी थे और कहीं थे प्रधानमंत्री बन गए। भाई एक बार इकट्ठे होकर के किसी को भी अपने बीच में से, चाहे अपने भैरव सिंह शेखावत जी को चढ़ा दो, अपने अपने भैरव सिंह साहब को चढ़ा दो, अपने पुलिस कमिश्नर साहब हैं, लेकिन किसी को आने वाले 5 साल में एक बार लाल किले में जरूर चढ़ाने की कोशिश करो। लोग मजाक करेंगे तो एक दूसरों को ज्यादा दुख आ गया, लेकिन नहीं, एक कोई फौजी रिटायर होकर आया और उसने डीसी के दफ्तर में पहले प्रयास किया मकान बनाने के लिए, सीमेंट मिलता था कंट्रोल रेट पे, उसने 100 कट्टे की एप्लीकेशन दी तो सरकारी दफ्तर वालों ने 25 कट्टे मंजूर करके दे दी, ये ले जाओ आप। तो उसने क्या रिवाइलर का लाइसेंस बनवाना था, आप क्या करें, उसने तोप का लाइसेंस अप्लाई कर दिया। तो डीसी दफ्तर में डर गए कि तोप का क्या करोगे, बोले कि सही है तो मेरे को रिवाइलर ही है, लेकिन तोप का लाइसेंस इसलिए मांग रहा हूँ कि रिवाइलर को तो मिल जाएगा फिर। तो अपनी मांग ऊंची रखो, मजबूत रखो, तभी आप जो चाहते हैं वो मिल सकता है, और अपनी आपकी जो ताकत है उसको पहचानने की जरूरत है।